हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक और नए कमाल के फ्रेश वीडियो में। और दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पटना के 0 माइल बस स्टैंड के पास। और अगर मेरे पीछे अगर देखिएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पर जो है मेट्रो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। यानी कि अब जो है वो पटना में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, बहुत ही जल्द दौड़ने वाली है। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा है पटना के मेट्रो वाला। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, देखिए इधर अगर देखिएगा तो देखिए कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। चलिए थोड़ा सा बाहर जाके हम आपको दिखाते हैं। तो क्या जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पटना मेट्रो लिखा हुआ है साफ साफ, यानी कि पटना मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन वाला जो काम है यहाँ पर पूरे तेज़ी से चल रहा है। और बहुत ही दूर दूर तक, लंबे दूर दूर तक जहाँ तक देखिएगा ना, वहाँ तक आपको दिखाई देगा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो तेज़ी से हो रहा है। तो भैया जी आप सीट बेल्ट बांध लीजिए और कमर बांध लीजिए पटना मेट्रो में सफ़र करने के लिए। तो चलिए यहाँ के कुछ वर्कर और सुपरवाइज़र जो भी है और यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे हम पूछते हैं कि आखिर ये जो पटना मेट्रो वाला जो प्रोजेक्ट है वो कब तक बन के तैयार हो जाएगा और कब से हम लोग इसमें सफ़र कर पाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पटना मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि देखिए बहुत सारे मजदूर लगे हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो चलिए इन्हीं से हम पूछते हैं कि पटना मेट्रो का जो फाइनली कंस्ट्रक्शन वाला जो काम है वो कब तक बन के पूरा हो जाएगा और कब से हम लोग सफ़र कर पाएंगे। तो अंकल जी सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम बाबू यादव है। राम बाबू यादव है। अच्छा, आप ये पटना मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन वाला काम है उसमें आप भी काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। वर्कर के तौर पे? वर्कर के तौर पर हम बिल्डर हैं। अच्छा, आप यहाँ के बिल्डर हैं। तो बेल्डर। आप एक बात बताइए, जो पटना मेट्रो का जो काम है वो कब तक बन के तैयार हो जाएगा पूरा, मतलब कब तक रखा गया फाइनली इसका कंस्ट्रक्शन वाला काम? इसका फाइनल है 2025 तक का। 2025 तक का है। तो गाइस जैसा कि देखिए आपको बताया गया कि 2025 तक इसका कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चलेगा, तो मतलब उसके बाद जो है पटना मेट्रो आ जाएगी। हाँ आ जाएगी, चालू करके दे देगा कंपनी। अच्छा, चालू करके दे देगा। हाँ। अच्छा, अंडरग्राउंड भी है और ऊपर के जैसे दिल्ली मेट्रो है ना, उस तरीके का भी है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो दिल्ली मेट्रो के कंस्ट्रक्शन जैसा ही यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, यानी कि जैसा कि दिल्ली में मेट्रो आप देखे होंगे वैसा ही मेट्रो वाला निर्माण पटना में भी अब किया जा रहा है, सही ना? हाँ हाँ सही। और अंदर कंस्ट्रक्शन का भी काम चलेगा, यानी कि अंदर से भी चलेगी ट्रेन और बाहर से भी चलेगी, सही? हाँ सही। चलिए बहुत अच्छी चीज। देखिए यहाँ पर सेक्रेटरी साहब जी है, जो कि यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है उनके देखरेख में इनको रखा गया है। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निरंजन पासवान। निरंजन पासवान। हाँ। तो जैसा कि देखिए सर का नाम है निरंजन पासवान। हाँ। तो सर एक बात बताइए कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कब तक पूरा हो जाएंगे और कब तक हम लोग सफर कर पाएंगे इसमें पटना मेट्रो में? हम लोग के साहब लोग बोलते हैं, आते हैं जांच करते हैं, तो कहते हैं कि 2024 तक यहाँ काम फाइनल हो जाएगा। फाइनल हो जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन वर्कर लोग बोल रहे थे कि 2025 तक होगा पूरा। हाँ तो 25 लग सकता है, लेकिन रात दिन काम स्टार्ट है यहाँ। रात दिन काम चलता है। हाँ, रात दिन चलता है। दोस्तों जैसा कि आपको बताया गया कि यहाँ पर वर्कर और जो भी मतलब देखरेख में सीनियर अधिकारी लोग आते हैं, तो उनका कहना है कि इनका जो कार्यक्रम है वो 2025 तक फाइनली हो जाएगी। वैसे कि टारगेट इसका रखा गया है 2024 तक, लेकिन चलेगा ये 2025 तक। तो चलिए दोस्तों आज का जो अपडेट और आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तो